हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। और मेरा नाम है अमन त्रिवेदी। इस वीडियो सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं फ्रेजल वर्ब्स। आपकी ऑलमोस्ट ये कंप्लीट होने वाली है, ये वीडियो है। इसके बाद दो वीडियोस और आएंगे, उसके बाद आपकी सारी फ्रेजल वर्ब्स एसवी बख्शी से कवर हो जाएंगी। तो मैंने इस किताब में जितनी भी फ्रेजल वर्ब्स दी है, मैंने सारी कवर कर दी है आपकी। सो आप लोगों से बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट थी शुरुआत से लेकर आखिरी तक कि प्लीज आप वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। बट आप में से कोई भी वीडियो शेयर नहीं कर रहा है। एनालिटिक्स में सब दिखता है, आप लोग बोलते जरूर हैं कि आपने शेयर किया है, पर शायद किसी एक दो ने किया हो तो किया हो, बाकी लोग बिल्कुल भी वीडियो शेयर नहीं कर रहे हैं। देखिए, आप अगर वीडियो को शेयर नहीं करेंगे तो ये वीडियो लोगों तक नहीं पहुंचेगा। लोगों तक नहीं पहुंचेगा तो मैं वीडियोज नहीं बना पाऊंगा, क्योंकि यहां पर अगर मैं वीडियो बना रहा हूं अनअकैडमी से टाइम निकाल कर रात के 12-12 बजे, 1-1 बजे, 2-2 बजे तक जग के अगर मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो मेरा ये मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे। और अगर वो नहीं पहुंचेगा तो दे विल बी नो यूज ऑफ द वीडियो। सो प्लीज शेयर करिए वीडियो को, जिससे कि बाकी लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, जिससे कि मैं आगे की वीडियो सीरीज भी कंप्लीट कर सकूं। फ्रेजल वर्ब्स ही पढ़ाने का मेरा मन नहीं था सिर्फ, मुझे इडियम एंड फ्रेजेस भी पढ़ाना है, मुझे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस भी पढ़ाना है, मुझे होमोफोन्स भी पढ़ाने हैं, मुझे एसपी बख्शी पूरी किताब कवर करनी है। लेकिन वो तभी पॉसिबल है जब वीडियो लोगों तक पहुंचे। सीधी बात है, आप भी कोई काम करते हो, अगर उसमें आपको सफलता नहीं मिले तो आप क्या करेंगे, क्या उसका कोई फायदा है? तो अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो मेरा मकसद है कि मैं ज्यादा से ज्यादा बच्चों से जुड़ सकूं, आप जैसे और लोगों से जुड़ सकूं, और बच्चे मुझे मिले जिनसे कि और बच्चे आप इस वीडियो से फायदा ले पाए, पढ़ पाए। तो प्लीज शेयर करिए, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। आप जिन भी स्टडी ग्रुप्स में जुड़े हों उन स्टडी ग्रुप्स में शेयर कीजिए, उनमें से आपके जो भी 4-5-6 जितने भी दोस्त हों आप उतने दोस्तों तक पहुंचाइए। वीडियो में अगर 300 व्यूज आते हैं, अगर 300 में से 150 बच्चे भी शेयर कर देना, मैं 300 की बात ही नहीं करता, मैं 150 बच्चे भी शेयर कर देंगे तो एक वीडियो के 150 शेयर होंगे। 150 शेयर भी काफी है मेरे लिए, मेरे जैसे छोटे एजुकेटर के लिए बहुत है। लेकिन आप वो भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ वीडियो देखते हैं, लाइक भी नहीं करता कोई, ना कमेंट करेगा बस, और आप आगे बढ़ जाते हैं। तो प्लीज अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरीके से कंटिन्यू करता रहूं, मैं देखो मेरी कोशिश ये है कि मैं इस चैनल पे एक से अच्छे से अच्छा कंटेंट दूं। मैंने वर्ड पावर मेड इजी पूरी कंप्लीट कराई है, ये किताब मैं पूरी कंप्लीट कराने का मन करता हूं। बाकी एजुकेटर्स की तरह मैं नहीं आपको थंबनेल लगा के बता रहा हूं कि 30 दिन में एसपी बख्शी खत्म, क्योंकि 30 दिन में एसपी बख्शी नहीं खत्म हो सकती। एज ए लर्नर खत्म हो सकती है, बट एज ए एजुकेटर नहीं हो सकती, क्योंकि भाई उसमें बहुत कुछ कॉन्टेंट है और उसको पढ़ाने में 6 महीने लगते हैं। लेकिन वो जो भी टीचर है, जो भी मैडम और सर आपके पढ़ा रहे हैं 30 दिन में, वो आपको बना रहे हैं और आप बन रहे हैं, लेकिन आपको तो उन्हीं से पढ़ना है। आपको जिससे भी पढ़ना हो पढ़िए, मुझे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एटलीस्ट अगर ये वीडियो आपके लिए है, आपके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो इस वीडियो का कोई फायदा नहीं होगा। सो प्लीज शेयर कीजिए इस वीडियो को, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि शेयर कीजिए। और वीडियो को देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और वीडियो को लाइक जरूर करो, कमेंट करे बगैर जाया मत करो। ठीक है, क्योंकि 300 लोग वीडियो देखते हैं लेकिन 100 भी कमेंट नहीं होते हैं, 3-4 लोग कमेंट करते हैं, बाकी लोग कमेंट भी नहीं करते, वो चुपचाप अपना ज्ञान ले रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आई नो आप बहुत ही सेंसिबल स्टूडेंट है, मैंने जनता ही ऐसी खिड़की में ज्यादातर ऐसे लोगों को ही चाहता हूं जो सेंसिबल स्टूडेंट हो, पर थोड़ा सा टीचर के बारे में भी ख्याल करो। ठीक है, यहाँ पर कोई आपसे पैसा नहीं लिया जा रहा, कोई पैसा नहीं मांगा जा रहा। सब्सक्रिप्शन के बारे में भी मैं बोलता हूँ, वो भी आपके ऊपर है, आप लेना चाहते हैं तो लीजिए, कोई जबरदस्ती नहीं है। बट अगर वीडियो में एकदम फ्री में दे रहा हूँ आपको, तो प्लीज थोड़ा सा आप जिम्मेदारी समझिए, थोड़ा सा आप इसको शेयर कीजिए, जिससे कि बाकी लोगों तक वीडियो पहुंच सके। वीडियो पहुंचेगा तो मेरा भी मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मुझे भी मन करेगा कि हाँ मुझे और वीडियोज बनाने हैं और कवर करना है। ठीक है, एसपी आपकी वर्ड पावर मेड इजी मैंने पूरी कंप्लीट की हुई है, उसमें आप लोगों ने अच्छा रिस्पॉन्स दिया, बट प्लीज इस पे भी रिस्पॉन्स दीजिए और इसको भी शेयर कीजिए, रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलिए, अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड AMANT यूज कर सकते हैं। अगर आपको फर्दर डिस्काउंट चाहिए तो आप मुझे 8299117042 पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। एक्टिव पैसिव और नरेशन का बैच हमारा शुरू हो रहा है 23 जुलाई से, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एंटोनिम्स और सिनोनिम्स का बैच 15 जुलाई से शुरू हो रहा है, इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। डेली 2 फ्री क्लासेस होती हैं, रीजनिंग की क्लास होती है हमारी दोपहर 1 बजे और इंग्लिश की क्लास होती है शाम 5 बजे, इसे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। AMANT रेफरल कोड है।
और इसके अलावा अनअकैडमी पर बहुत सारे बैचेस हैं, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। सारे टीचर्स की एक से एक फैकल्टी है, सारे आप सभी से ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफर चल रहा है, अगर आप एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 6 मंथ्स का फ्री मिलेगा, 2 साल के सब्सक्रिप्शन पे 1 साल का फ्री मिलेगा। कॉस्ट आपकी 1.5 साल की पड़ेगी 5850 और 3 साल की पड़ेगी 7020, दैट्स टू लो। आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, लेने के लिए AMANT रेफरल कोड यूज कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। उससे पहले आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहां पर आपको क्लास की PDF मिलती है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया है तो कर लो, क्योंकि जो शॉर्ट्स आपको यहाँ देखते हैं ज्यादातर मैं रील्स इंस्टा पे डालता हूँ, क्योंकि वहाँ पे कोई कॉपीराइट नहीं होता। यहाँ पे अगर मैं गाना डालता हूँ तो कॉपीराइट आ जाता है, इसलिए इंस्टाग्राम पे फॉलो जरूर कर लीजिए, @AmanTrivedi मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। शुरू करते हैं आज की पहली फ्रेजल वर्ब से। पहला हमारा फ्रेजल वर्ब है राउंड अप। राउंड अप का मतलब हो जाता है किसी को गिरफ्तार कर लेना, ठीक है, किसी को गिरफ्तार करना, किसी को अरेस्ट करना, घेर लेना। So the police rounded up anti-social elements last night. Police ने anti-social elements को पिछली रात गिरफ्तार कर लिया। तो round up का मतलब हो जाता है अरेस्ट करना, ठीक है? So police rounded up सरदार खान। Police ने सरदार खान को गिरफ्तार कर लिया है। वासेपुर देखी होगी, नहीं देखी है तो मेरी क्लासेस में आते हो तो वासेपुर देख करो, क्योंकि उससे आपको मीम समझ में आएंगे। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी है रन आफ्टर। रन आफ्टर का मतलब होता है आपका किसी के पीछे भागना, पीछे पीछे भागना, ठीक है, परसू करना, हैंकर आफ्टर, किसी के पीछे भागना, ठीक है। सो वी शुड नॉट रन आफ्टर मनी, हमें पैसे के पीछे पीछे नहीं भागना चाहिए। तो रन आफ्टर मतलब होता है किसी के पीछे पीछे भागना, पैसे के पीछे भागना, किसी के पीछे भागना। सो रन आफ्टर किसी लड़की के पीछे भागना, वायर रनिंग आफ्टर, तो उस सेंस में आ जाएगा। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी है रन डाउन। रन डाउन का मतलब होता है आपका किसी को क्रिटिसाइज करना या किसी की तबीयत खराब होना, तो दैट इज कॉल्ड रन डाउन। सो फॉर एग्जांपल, मंदा पढ़ना है, आलोचना करना है, एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग इलनेस शी हैज रन डाउन अ लॉट। लंबी बीमारी के चलते वो काफी ज्यादा उसकी तबीयत काफी हेल्थ काफी खराब हो गई है, काफी वो वीक हो गई है, कमजोर पड़ गई है, ठीक है। सो रन डाउन मतलब हो जाता है कमजोर पड़ना, बीमारी वगैरह की वजह से आप कमजोर पड़ जाए किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के सेंस में भी आता है। अगली जो हमारी फ्रेजल वर्ब है वो है रन इनटू। रन इनटू का मतलब होता है कम अक्रॉस, मीट बाय चांस, किसी से मिलना, ठीक है, संयोग से मिलना, ठीक है। व्हाइल वॉकिंग अलोंग द रोड साइड आई रन इनटू माय ओल्ड स्कूलमेट्स, यानी कि सड़क किनारे चलते चलते मैं पुराने अपने कुछ दोस्तों से मिला, स्कूल मित्रों से मिला। तो रन इनटू मतलब हो जाता है किसी से संयोगवश मिल जाना, ठीक है। तो संयोगवश मतलब हो जाता है आपका किसी से मिलना, रन इनटू, ठीक। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी होती है रन आउट। रन आउट का मतलब हो जाता है रन आउट, क्रिकेट वाला रन आउट भी होता है, रन आउट का मतलब कुछ खत्म होने के सेंस में भी आता है, खत्म हो गया। तो एग्जांपल हो गया, व्हेन द रेशंस रन आउट द हेड ऑफिस वाज इन्फॉर्मड, यानी कि जब राशन खत्म हुआ तो हेड ऑफिस को इन्फॉर्म किया गया, ठीक है। सो व्हेन द रेशंस रन आउट द हेड ऑफिस वाज इन्फॉर्मड। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका डेटा डेली खत्म होता है, जब आप डेटा खत्म होता है तो क्या होता है, योर डेटा हैज बीन रन आउट, ठीक है, आपका जो डेटा है वो खत्म हो गया। तो डेटा खत्म होने के लिए रन आउट आप याद रख सकते हैं, ठीक है, रन आउट मतलब हो गया कुछ खत्म होना, राशन खत्म हो गया, डेटा खत्म हो गया, रन आउट उस सेंस में आ जाता है। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी होती है आपकी रन ओवर। रन ओवर का मतलब होता है क्रश अंडर, किसी को कुचल देना, ठीक है। रन ओवर मतलब होता है किसी को कुचल देने के सेंस में आता है, सो कुचल डालना। He was run over by a speeding car, ठीक है, यानी कि वो एक स्पीडिंग कार के जरिए कुचल दिया गया। तो रन ओवर मतलब हो जाता है कुचल देना, ठीक है। सो जैसे कि आपके फुटपाथ पे बहुत सारे लोग नहीं सोते हैं, क्यों, क्योंकि कुछ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज आके उनपे कार चढ़ा देते हैं, तो रन ओवर हो जाएगा आपका, ठीक है। सम सेलिब्रिटीज रन ओवर देयर कार्स ऑन फुटपाथ ऑन द पीपल स्लो स्लीपिंग देयर, ठीक है। तो रन ओवर मतलब हो जाता है आपका कुचल देना। चलिए अगला हमारा होता है रन थ्रू। रन थ्रू का मतलब हो जाता है वेस्ट मनी, अपने पैसे को बर्बाद करना, ठीक है, तो लापरवाही से खर्च करना। इट्स अ पिटी दैट ही हैज रन थ्रू हिज फॉर्चून ओवर गैम्बलिंग एंड ड्रिंकिंग, यानी ये काफी दयनीय है कि उसने अपना सारा फॉर्चून, सारा पैसा अपने खर्च कर दिया गैम्बलिंग पर, जुआ खेलने पर और शराब पीने पर। तो रन थ्रू मतलब हो जाता है आपका खर्च करना, लापरवाही से पैसा खर्च करने के सेंस में आता है रन थ्रू। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा होता है सी ऑफ। सी ऑफ का मतलब होता है बाय बोलना किसी को, ठीक है, बाय बोलने के सेंस में आता है टू एस्कॉर्ट अ गेस्ट फॉर हिज डिपार्चर,
किसी गेस्ट को, किसी को भी सी ऑफ करना बाय बोलने के लेसन में आता है, विदा करना। His friends were present at the station to see him off. उसको सी ऑफ करने के लिए उसके फ्रेंड्स स्टेशन पर मौजूद थे। ठीक, तो सी ऑफ याद रखेंगे, बाय बोलने के लेसन में आता है। अगला फ्रेज़ल वर्ब हमारा होता है सी थ्रू। सी थ्रू का मतलब हो जाता है समझ जाना। डिस्कवर समथिंग हिडन मोटिव, किसी का हिडन मोटिव होना। ठीक है, जैसे आप उसको समझ सकते हैं, जैसे आपका दुर्योधन, दुर्योधन कुड नॉट सी थ्रू द शकुनीज मोटिव्स, यानी कि दुर्योधन शकुनी के मोटिव्स को नहीं समझ पाया, नहीं देख पाया। सो मैन हैज ग्रोन सो क्लेवर दैट इट इज डिफिकल्ट टू सी थ्रू हिज ट्रिक्स। ठीक है, दुर्योधन कुड नॉट सी थ्रू, या युधिष्ठिर कुड नॉट सी थ्रू शकुनीज ट्रिक्स, शकुनी की ट्रिक्स से नहीं देख पाया, उसके पास उसको नहीं समझ पाया। तो डिस्कवर समथिंग हिडन मोटिव, किसी के हिडन मोटिव को समझने के लिए आता है सी थ्रू। अगला फ्रेज़ल वर्ब हमारा होता है आपका सेंड फॉर। सेंड फॉर का मतलब होता है आपका समन करना, जैसे समन्स करना, यानी कि आपका कोर्ट समन करती है। देखिए, समन इज अ वर्ब और समन्स इज अ नाउन, तो उसमें एस लगता है, इसमें एस नहीं लगता। और समन्स का प्लूरल होता है समन्सेस, तो समन्स इज अ सिंगुलर एंड समन्स इज अ समन्सेस आर प्लूरल। और ये है वर्ब समन करना, मतलब कोर्ट के द्वारा आदेश जारी करना किसी को कोर्ट में पेश होने के लिए। तो सेंड फॉर का मतलब हो जाता है बुलाना। So she sent for a doctor when her husband fell ill. यानी कि उसने डॉक्टर को बुलाया जब उसका हस्बैंड बीमार हो गया। ठीक है, अगली फ्रेज़ल वर्ब हमारी हो जाती है set about. Set about का मतलब होता है to start doing something, किसी काम को करना शुरू करना, that is called set about, शुरू करना। So as soon as she reached home, she set about calling up her friends. यानी कि जैसे ही वो घर पहुंची, उसने अपने फ्रेंड्स को कॉल करना शुरू कर दिया। तो सेट अबाउट का मतलब हो जाता है स्टार्ट डूइंग समथिंग। ठीक, सो सेट अबाउट मतलब होता है स्टार्ट डूइंग समथिंग। अगला है हमारा सेट असाइड। सेट असाइड का मतलब हो जाता है किसी चीज को किनारे कर देना, यानी कि उसे स्ट्राइक डाउन कर देना, खत्म कर देना, या एलोकेट, जैसे आई हैव सेट असाइड सम मनी फॉर दिस, मैंने कुछ इस चीज के लिए कुछ पैसा अलग रख लिया है। तो एक तो सेट असाइड ये हो गया। दूसरा, कोर्ट हैज सेट असाइड द लॉ, कोर्ट ने उस लॉ को खत्म कर दिया, एब्रोगेट कर दिया, तो खारिज करना, निरस्त करना भी हो जाता है। द कोर्ट, हाई कोर्ट सेट असाइड द वर्डिक्ट ऑफ द लोअर कोर्ट इन दिस सेंसिटिव मैटर, यानी कि हाई कोर्ट ने लोअर कोर्ट के इस डिसीजन को टर्न डाउन कर दिया, पलट दिया, खत्म कर दिया इस सेंसिटिव मैटर में। तो सेट असाइड मतलब होता है किनारे कर देना, खत्म कर देना, एब्रोगेट कर देना। ठीक है, तो याद रखेंगे सेट असाइड मतलब। अगला फ्रेज़ल वर्ब हमारी होती है आपकी सेट इन। तो सेट अबाउट मतलब था किसी चीज को शुरू करना, और सेट इन का मतलब भी होता है किसी चीज को शुरू करना, बिगिन करना। सो आरंभ होने के लिए आता है द रेन लुक्स एज इफ इट हैज सेट इन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, यानी कि ऐसा लगता है कि द रेन लुक्स एज इफ इट हैज सेट इन फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, ऐसा लगता है पूरे दिन बारिश होने वाली है। तो सेट इन मतलब होता है शुरू होने के लिए, आरंभ होना। ठीक है, तो सेट इन याद रखेंगे, जैसे कि बारिश शुरू होना है, किसी भी चीज के शुरू होने के सेंस में। अगली फ्रेज़ल वर्ब हमारी होती है सेट ऑफ। सेट ऑफ का मतलब होता है टू स्टार्ट अ सीरीज ऑफ इवेंट्स, प्रोसेस और इंप्रूव। एक सीरीज ऑफ इवेंट शुरू करना, एक प्रोसेस शुरू करना, या इंप्रूव करने के लिए आता है सेट ऑफ, शुरू करना या प्रेरित करना। कॉस्मेटिक्स सेट ऑफ द नेचुरल ग्रेस, यानी कि नेचुरल ग्रेस को कॉस्मेटिक्स खत्म कर देता है। तो सेट ऑफ मतलब हो जाता है किसी चीज को धीरे धीरे डिके होने के सेंस में भी आता है। ठीक है, इसके अलावा प्राइवेटाइजेशन हैज सेट ऑफ द प्रोसेस ऑफ लिबरेशन इन फॉरेन ट्रेड। लिबरलाइजेशन होगा वहां पर। ठीक है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन ने फॉरेन ट्रेड में लिबरलाइजेशन को शुरू कर दिया। तो ये भी अर्थ हो जाता है। तो सेट ऑफ का एक अर्थ होता है आपका सेट ऑफ मतलब स्टार्ट करिए जर्नी टू मेक अ टाइम टेबल। ये आपने वीडियो देखा होगा, नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। अगली फ्रेज़ल वर्ब हमारी होती है सेटअप। सेटअप करना मतलब कुछ स्टार्ट करना, establish करना, set up मतलब establish करना। He has set up a library, उसने एक library set up किया, start किया, establish किया। So the factory was set up by his uncle, factory जो है उसके uncle के द्वारा set up की गई थी, establish की गई थी। ठीक है, तो set up मतलब होता है कुछ ही किसी चीज को establish करना। Set forth का मतलब भी हो जाता है आपका to start a journey या किसी चीज को explain करना, रवाना होना या बताना। So the party will set forth its views on globalization at a public rally. Public
पार्टी जो है वो अपने व्यूज को स्टार्ट करेगी, एक्सप्लेन करेगी ऑन ग्लोबलाइजेशन एट अ पब्लिक रैली, यानी कि पार्टी जो है वो अपने व्यूज को एक पब्लिक रैली में बताएगी, उन्हें एक्सप्लेन करेगी। तो सेट फोर्थ मतलब होता है टू स्टार्ट अ जर्नी एंड टू एक्सप्लेन, ठीक है, ध्यान रखेंगे सेट फोर्थ मतलब होता है स्टार्ट अ जर्नी और एक्सप्लेन। एंड अगला फ्रेजल वर्ब हमारा है सेट आउट, इसका मतलब ये होता है स्टार्ट अ जर्नी एंड सेट फोर्थ या फिर स्टार्ट करना, कुछ दोनों ही अर्थ है एक्सप्रेस करना। नो सूनर वॉज द हंटर इन्फॉर्म्ड ऑफ अ लायंस प्रेजेंस इन द फॉरेस्ट देन ही सेट आउट, यानी कि जैसे ही हंटर को पता लगा कि आपके जंगल में शेर है, उसने अपनी जर्नी शुरू कर दी, वो तुरंत रवाना हो गया अपने लिए। तो सेट आउट का मतलब होता है स्टार्ट जर्नी। आपको याद होगा जैसे शेरनी मूवी में जो शरद सक्सेना का जो कैरेक्टर है वो क्या होता है, पोचर होता है, वो हंटर होता है। तो जैसे जैसे पता लगता है स्टार्ट जर्नी सेट आउट, ठीक है। तो सेट फोर्थ या सेट आउट का मतलब हो जाता है स्टार्ट जर्नी, सेम है। इसके अलावा अगला होता है हमारा सिट बैक। सिट बैक मतलब चिल करना, रिलैक्स करना, ठीक है, सिट बैक रिलैक्स करने के सेंस में आता है, आराम करना। सो ही बिलीव्स दैट ही हैज अ राइट टू सिट बैक व्हाइल अदर्स शुड वर्क हार्ड, उसे ऐसा लगता है कि उसके पास अधिकार है चिल आउट करने का, रिलैक्स करने का, जबकि बाकियों को हार्ड वर्क करना चाहिए। तो सिट बैक मतलब होता है रिलैक्स करने के सेंस में। अगली फ्रेजल वर्ब हमारी है सिट अप। सिट अप मतलब होता है स्टे आउट ऑफ बेड, स्टे अप जागृत रहना, बेड से हटके रहना, जागृत रहने के सेंस में आता है, देर तक जागना। सो दे सैट अप टिल देयर मदर रिटर्न, यानी कि वो जगते रहे जब तक उनकी मां वापस नहीं आ गई। तो सिट अप मतलब होता है जागना, जैसे कि यू सिट अप फॉर लॉन्ग आवर्स इन नाइट यूजिंग योर स्क्रॉलिंग योर मोबाइल फोन। अगला फ्रेजल वर्ब हमारा होता है स्टैंड बाय। स्टैंड बाय का मतलब होता है सपोर्ट करना किसी को, हेल्प करना, ठीक है, समर्थन करना। सो दे सेट अपॉन, दे सेट बाय हर व्हेन शी वाज इन द कार पार्क, ये नहीं होगा, इसको ऐसे याद रखिए, प्लीज स्टैंड बाय मी, मेरे सपोर्ट में आइए, जिससे कि मैं सीरीज को और अच्छे से और आगे से कंटिन्यू कर पाऊं और आप लोगों को बेहतर वीडियोस इस चैनल पर दे पाऊं। सो प्लीज स्टैंड बाय मी एंड प्लीज लाइक द वीडियो, प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू कॉमेंट। All right, thank you so much for watching this video. Have a good day. Take care. Bye-bye.